कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आ चुकी हूँ इंदौर के ज़ू। बिल्कुल आप लोगों को ज़ू का मतलब तो पता ही होगा गाइस, चिड़ियाघर, जो कि हम बचपन में काफ़ी जाते थे। और आज मैं लगभग ये मान के चलो कि 4 साल बाद आई हूँ और ये बहुत ज़्यादा बदल चुका है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग मोमेंट है गाइस। और ये देखो टिकट काउंटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से टिकट ले लिया जिसका चार्जेस था ओनली 20 रुपीज़। और ये बर्ड देखो कैसे घूम रहा है गाइज़। और कितने ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई है, मतलब देखने लायक चीज़ है गाइज़ बिल्कुल। सो गाइज़ हम एंटर हो चुके हैं और मैंने जो कैमरा है वो मेरे हबी को दे दिया। मैंने बोला चलो मैं विज़िट कर रही हूँ, आप तो यहाँ पर शूट करो ताकि जितने भी मेरे फैंस हैं वो देख सकें। और यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था गाइज़। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लग रही थी। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें जो बर्ड या एनिमल देखने को मिलता है वो है इगुआना, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा था। मुझे लग रहा था ऐसा कि बाहर नहीं निकल जाए कहीं, ये जाली में से सेफ्टी है कि नहीं है गाइस। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी देखकर, क्योंकि ये एक टाइप की छिपकली है, अमेरिकन छिपकली, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर लग रही थी। मतलब देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, बट हाँ चलो अच्छी लग रही थी। सो गाइज़ यहाँ पर अब नेक्स्ट हमको देखने को मिल रहा है ये स्नैक हाउस, जो कि अभी अभी यहाँ पर बनाया गया है। और मुझे ऐसा सुनने में आया कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा मतलब लगाया है इसे बनाने में लगा है। और ये देखो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर भी आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी एज़ यूज़ुअल। और यहाँ पर हमें सबसे पहले अजगर देखने को मिले। यहाँ पर 2 अजगर बैठे हुए थे, ग्लास से पूरा कवर था, बट सांप को जब मैं देखती हूँ ना गाइस तो रियली मुझे एकदम अंदर से अजीब सा डर लगता है, मतलब रोंगटे खड़े होने वाला, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट कर देती है। और ये रही क्यूट स्वीट स्वीट सी चमेली बाई, मतलब सफ़ेद मादा अजगर, मैंने इसका नाम चमेली बाई रखा है, जब भी जाऊँगी तो इसे यही बुलाऊँगी। और ये बहुत क्यूट लग रही थी, मुझे सबसे मेरी फेवरेट हो गई है जब से गई हूँ। और इसके बाद मुझे ये जासूस सांप देखने को मिला जो कि दिख ही नहीं रहा था, फिर एंड में जाके मेरी नज़र पड़ी कि ये तो यहाँ छुपा हुआ है। और ये आ गया कोबरा ब्रांड के ऑनर, जो है जो कोबरा परफ्यूम आप लगाते हो उसके ऑनर। और ये देखो बहुत ज़्यादा लिपटे झिपटे यहाँ पर थे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, क्योंकि ये तो नॉर्मली इंडिया में मिल जाता है। ये था ब्रांडेड कैट करके कोई, और ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़ेब्रा टाइप का लग रहा था, जैसे ज़ेब्रा होता है ना, ज़ेब्रा की स्किन होती है वैसा, बट सच्ची में ये बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा डेंजर यही वाला सांप लगा। सो गाइज नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको डांसिंग स्टार, और ये है कौन सा सांप है ये मैंने पढ़ा नहीं, पता नहीं कौन सा था, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, मतलब लगभग 15-20-25 भी हो सकते हैं शायद, मैंने गिने नहीं क्योंकि ये एक दूसरे में उलझे हुए थे और ये बहुत ज़्यादा लहरा रहे थे। देखो आप खुद ही देख लो कितने ज़्यादा डेंजर लग रहे हैं। गाइज़ ये है जालीदार पायदान, यहाँ का किंग आप बोल सकते हो क्योंकि बहुत मोटा और डेंजर था। और ये है लुस्त सुस्त प्राणी, जिन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है गाइज़, इससे कोई मतलब नहीं है। देन ये है डोनाल्ड डक, कुछ कॉमन थे बर्ड्स इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा शूट नहीं किया, बट कुछ बर्ड्स मैंने शूट कर लिए, जैसे कि आप देखो ये पूरी फैमिली थी और बहुत क्यूट लग रहे थे ये, मतलब बहुत ज़्यादा समथिंग 4 या 5 लोग होंगे इनकी फैमिली में। और अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, छोटू हम्टी डम्प्टी मैंने इसका नाम रख दिया, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था रियली।
सो गाइस मेरे तो चल चल के पैर दर्द हो गए, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये था और यहाँ पैदल ही चल के आपको पूरा विजिट करना पड़ता है। मतलब दिल्ली जैसा सिस्टम नहीं है भाई कि यहाँ पर आपको कोई गाड़ी मिलेगी जिसमें आप चल के पूरा विजिट करो। और पेट पूजा करना भी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत भूख लग रही है, तो चलो कुछ खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। ग्रीन ग्रीन रहता था। पहले ऐसे देख रहे हैं ये क्या इतना निखार। ब्लर लग रहा है, ऐसा लग रहा है एशियन वाले अपन। सो गाइज हमने पूरा जू विज़िट कर लिया और बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।